बैक टू माई चैनल सिने एंटरटेनमेंट और मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ खेसारी लाल सर का बहुत ही खूबसूरत सा एक सॉन्ग लहंगा लखनऊ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इस सॉन्ग का वीडियो, आप देखना उस पर मेरा रिएक्शन। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं ये वीडियो। गरदा गुड़ा बत चली मचला लैपन में खल बली अरे बाबू हाय बोली में गरदा गुड़ा बत चली मचला लैपन में खल बली मारले नि सेंट जब हम कम कौआ ए गोरी तो पुरान के हका बस अरे ना होई खेसरिया के हा ए गोरी तोरी चुनरी बझली दिल जवानी फरे बिया दाबा एही पय बाबू दुनिया फिदाबा हुआ जवाहर हिले शहर बाजार हिले तोहरे अदा पमोने यो पे बिहार हिले साचो अरे हां हो विद्या कसम दिल जवानी फरे बिया दाबा तुलसी खाया ना रे ए गोरी तोरी चुनरी बझली कौआ तो जान मार लहनाई लखनऊआ चल हट झुमका पझारी खंडे बापा गलाइल पूर्वांचल के दिल नथिया पर आइल तोहरा पर परले बा नजर रांगा बाज के हर दी लगाहिले चिरई उड़न बाज के सब बुझाता पटना ले जाता का गनावा झुमका पझारी खंडे बापा गलाइल श्याम आकाश के बुला ला चुप रहा ए गोरी तोरी चुनरी बझल कौआ अरे मुंह बका अर्जेंटेड बा बहुत ही अमेजिंग सा सॉन्ग था, बहुत ही कमाल का सॉन्ग था। पूरा गाना तड़कता भड़कता हुआ था और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो मज़ा आया ना गाना देखने का वो तो अपना ही था, कमाल का सुपर सॉन्ग। और खेसारी लाल जी की आवाज़ में जो कि मस्त था और साथ में अंतरा सिंह ने जो गाना गाया था सुपर आवाज़, दोनों की कमाल का वॉइस है। और सबसे खास बात इस गाने की मुझे अच्छी लगी थी, इसमें एक तो हीरोइन के खूबसूरती के साथ साथ उसके लहंगे की भी खूबसूरती से बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई है, तो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और फुल मतलब बोलते ना ये जो सॉन्ग है फुल कलरफुल वाला है, मतलब लाल लाल और फुल मतलब ज्वेलरी वेलरी सब दिखाई गई, बहुत ही कमाल का सॉन्ग लगा मुझे। जो वो एक होता है ना दुल्हन के फुल गेटअप में नजर आई इसमें एक्ट्रेस जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और साथ ही साथ उनका लहंगा भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और साथ ही साथ जो पीछे वाले जूनियर आर्टिस्ट ने लहंगा पहना था ना वो भी कमाल का ही लग रहा था। वह गाना बहुत ही शानदार है और शुरू हुआ ये सॉन्ग और तब से लेके एंड तक मतलब
कमाल का सॉन्ग है, आप सुनोगे तो आपके भी ये मतलब ये मतलब यू होने लग जाएंगी। इतना खूबसूरत सा सॉन्ग है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सबसे ज्यादा खेसारी सर की, कि जब भी उनका कोई सा भी सॉन्ग होता है ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना कॉमेडी वाला टच रहता ही है। जैसे खेसारी लाल जी की सॉन्ग्स में ऐसे होते हैं जो कि वो अच्छा मैसेज भी होता है और साथ ही साथ फुल एंटरटेनमेंट का डोज रहता है उनके गानों में, जो कि सुनने का एक अलग ही मजा होता है। मतलब उनके गाने एक तो दमदार होते हैं, मतलब गाना बजते ही ऐसा लगता है करंट सा लग गया और मतलब डांस करो ऐसा गाना है। बहुत सुपर डुपर वाला गाना लगा होना चाहिए। और तो और ये वाला गाना फुल डांस से भरपूर था, फुल एक्टिंग से भरपूर था, फुल कॉमेडी से भरपूर था, जो कि मजा दुगुना चौगुना हो गया इस गाने को देख के। इस गाने को देख के ये बोल सकते हैं कि ये फुल एंटरटेनमेंट वाला गाना है। एंड यू नो गाइस, जब मैंने पहली बार वाला सॉन्ग सुना तो मुझे लगा कि एक गाना था ना गोरी तेरी चुनरी में लाल लाल, मुझे लगा ये वो वाला सॉन्ग है। बट आफ्टर दैट जब मैंने सुना कि नहीं ये गाना डिफरेंट है, वो गाना डिफरेंट है, दोनों बहुत अलग गाने, लेकिन जैसे चालू गोरी तेरे मजा आ गया सुन के। एक अलग सा टशन होता है उनके गानों में, जो मतलब अगर आप एक बार सुन लोगे तो ये जुबान पे बैठ जाएगा, सुबह से लेकर रात तक वही गाना गुनगुनाओगे। बोलते ना सुबह आप कोई सी भी चीज़ सुन लोगे तो दिमाग में पूरे दिन रात तक वही दौड़ता है। तो सेम यही चीज़ है यहाँ पे। अब ये गाना मैंने सुन लिया तो मैं भी शायद रात तक यही वाला गाना गुनगुनाने वाली हूँ, बिकॉज सॉन्ग सच में बहुत खूबसूरत है। और तो और फुल ऑन डांस के स्टेप्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कमाल के डांस के स्टेप्स किया है इसमें एक्ट्रेस ने और इसमें हमारे खेसारी लाल सर ने, जो कि बहुत ही कमाल का था। अगर बात करें लुक की तो इसमें खेसारी सर का जो लुक दिया है अच्छा लग रहा है, ये लुक हैंडसम लग रहा है काफ़ी इसमें। और खेसारी लाल के सॉन्ग में यही ज़्यादा डिफरेंट होता है कि उनके हर एक एक सॉन्ग में उनका हर अलग सा ही रूप आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कमाल का सॉन्ग था। ओवरऑल मैंने गाना बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और मुझे मालूम है वहाँ बैठ के आप लोग भी ये गाना काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा इस गाने पे रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, रिप्लाई मैं जरूर करूँगी। और हाँ, मेरे बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं फिर से आती हूँ, जल्दी से आती हूँ और आपके लिए कोई सा बेस्ट वीडियो लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।